मातरम सभी को, आप सभी का स्वागत है स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड के माध्यम से महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं, बच्चेदानी के कैंसर से बचा रहे हैं। साथ ही रसोई घर चिकित्सा के माध्यम से हम प्राथमिक उपचार कैसे कर सकते हैं ये सीख रहे हैं, और अपने घर की समृद्धि को बचा रहे हैं, छोटे छोटे उपचार करके बड़ी बड़ी बीमारियों से भी बच रहे हैं। स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के माध्यम से हम महिलाओं के यूट्रस संबंधित हर एक प्रॉब्लम के बारे में अच्छे से जान रहे हैं। क्या होता है कि मैं एक खुद एक महिला हूँ, और जब कोई बीमारी आती है तो मुझे सिर्फ इतना पता होता है कि मुझे ये दिक्कत हो गई है, यानी संपूर्ण जानकारी हम किसी को नहीं होती है कि मुझे जो हुआ। फिर मैंने डॉक्टर के पास गई, उन्होंने एक पर्टिकुलर एक नाम दे दिया कि आपको ये समस्या हो गई है, तो मुझे सिर्फ अपना अनुभव हो गया कि मुझे ये समस्या हो गई। लेकिन यहाँ पे जुड़ के जब हम अलग अलग महिलाओं से बात करते हैं, तो फिर हमें नॉलेज होती है कि यूट्रस से संबंधित किसी को मतलब कुछ प्रॉब्लम हो रही है, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है। यानी संपूर्ण अगर मैं ये कहूँ कि आज हमें पता लगा है कि कितने कितने समस्याएं होती हैं। मुझे ये नहीं पता था कि शरीर बाहर निकलता है, ये स्वास्थ्य फ्रीडम केयर में जुड़कर मुझे पता लगा कि ऐसे भी बच्चेदानी किसी की बाहर निकलती है। क्योंकि वही बात होती है कि हम घर तक ही सीमित थे, जो मुझे हो गया या मेरी रिलेशन में किसी को हो गया, उसने बता दिया तो मुझे पता लग गया। तो अभी यहाँ पे हमने हमारी जानकारियां बढ़ी हैं, हमने महिलाओं की प्रॉब्लम के बारे में बहुत नजदीक से जाना है, क्योंकि जिसको दिक्कत होती है उससे बातचीत होती है, और जब अपने मन की भावना होती है तो बहुत कुछ निकल के आता है कि कितना कितना वो सह रहे हैं, कितनी कितनी उनकी प्रॉब्लम हो रही है, कितना दर्द उनको हो रहा है, और कैसे फिर भी अपना वो काम कर रहे हैं। क्योंकि महिलाएं को कुछ भी हो जाए, कुछ भी उनको चाहे कितनी बड़ी दिक्कत भी क्यों ना हो, तो फिर भी उनको घर का काम तो करना ही पड़ता है, चाहे वो किसी भी तरह करे। क्योंकि बच्चों को वो भूखा नहीं देख सकती, बच्चों के लिए तो खाना बनाना ही है, इवन सब काम छूट जाएंगे लेकिन रसोई घर का काम तो फिर भी उसे करना ही पड़ेगा। तो कितनी कष्ट में रह के महिलाएं अपने रोजमर्रा के जीवन को जी रही हैं, ये सारा जो पता लगा मुझे वो स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के माध्यम से पता लगा। क्योंकि उससे पहले मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी कि मुझे अपने पड़ोस में भी महिलाओं के की स्थिति के बारे में जानने की कि वो क्या रहा है, ना ही कभी जरूरत पड़ी, ना ही कभी उतनी समझ थी। ठीक है, धीरे धीरे समझ बढ़ी। तो इससे मैंने एक ये जाना कि सीखना कितना जरूरी है और हम सीखते क्या क्या हैं। अगर मैं शुरू से बताऊं कि जैसे मैं हूं, मैंने क्या सीखा, पढ़ना लिखना सीखा स्कूल में जाके, वो सीख लिया। उसके बाद मैंने खाना बनाना सीखा, क्योंकि ये प्राथमिकता होती है कि महिलाओं को खाना बनाना तो है ही। ठीक है, तो वो मेरी मम्मी ने सिखाया और मैंने सीख लिया, देख देख के सीख लिया, कुछ मतलब उनके द्वारा बताया गया तो वो सीख लिया। इससे ज्यादा क्या हुआ कि चलो ठीक है, तू अपने कपड़े सीलना सीख ले, कपड़े सीलना सीख लिया, वो भी क्या था कि चलिए नहीं किसी दूसरे के सीलेगी तो कम से कम अपने तो सीलेगी, यानी ये ही सीखा और यही मेरे काम आया। लेकिन कभी ये नहीं सीखा कि जिस मतलब मैं मेरा शरीर है, मेरा शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा, ये कभी नहीं सीखा, ना कभी स्कूल में सीखा, ना कभी घर पे सीखा, और ना ही शादी के बाद भी सीखा। क्योंकि सिर्फ इतना पता था कि बीमार हुए, सर्दी लगी, जुकाम होया या बुखार हुआ तो डॉक्टर पे जाओ, दो गोली लेके आ जाओ, और वो ले लिया। मतलब पहले गांव के डॉक्टर पे जाओ, गांव के डॉक्टर से अगर समस्या ठीक होगी तो ठीक है, बहुत बढ़िया, नहीं तो उससे जाके दोबारा ये नहीं पूछना कि भाई मेरी समस्या ठीक क्यों नहीं हुई है, क्या करते, चले इसका इसके बस का तो है नहीं, अब चले शहर के डॉक्टर के पास चलते हैं। वहां गए, उन्होंने कुछ टेस्ट लिखे,
कि बीमारी क्या है, तो उन्होंने भी कुछ नहीं बताया, और अलग अलग तरह की तीन चार प्रकार की गोलियां हमें दे दी। उसमें अलग अलग होती है, मान लीजिए एक एक ही वो, क्योंकि वो भी क्या करते हैं, मतलब क्या कहते हैं ना, तुक्का मारते हैं, तो एक पर्टिकुलर गोली किसी भी चीज की नहीं होती है। उसमें तीन चार गोलियां उन्होंने मिलाई और मुझे दे दिया। हाँ, बाई चांस उससे ठीक होगी तो बहुत बढ़िया डॉक्टर है, बहुत बढ़िया है। और फिर मेरे जैसी समस्या किसी को पैदा होती है तो फिर हम रेफरेंस करते हैं, अरे उस डॉक्टर से मेरी ये समस्या ठीक हुई थी, आप भी जाकर वहां पे उससे दवाई ले लो और वो समस्या आपकी ठीक हो जाएगी। यानी रेफर किया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसने दिया क्या, किया क्या, और मुझे एक्चुअली हुआ क्या था। तो वही चीज आज भी है, आज भी हमारे बच्चों को सिर्फ इतनी ही समझ है कि एक तो पढ़ना है, पढ़ लिख के या तो इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, ये हमारे दिमाग में होता है और उसी के लिए हम उसको पढ़ा रहे हैं। और लड़कियों को क्या कि थोड़ा बहुत खाना बनाना सीख लिया, बस उसी तक ही हम सीमित है। लेकिन स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के में ज्वाइन करने के बाद और राजीव दीक्षित को जानने के बाद मैंने जो समझा, वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि पहले आप अपने स्वास्थ्य के बारे में सीखिए, किन चीजों का हमें यूज करना है जिससे हम बीमार ही ना पड़े, यानी कैसे हमें खाना खाना है, किस प्रकार का हमें खाना खाना है, कैसे हमें पानी पीना है, कितना हमें पानी पीना है, किस समय हमें जगना है और किस समय हम सोना है। यानी जो डेली रूटीन की जो बात होती है, जिसमें जिसके अनुसार अगर हम चलते हैं तो हमारा स्वास्थ्य उसी पर ही निर्भर करता है। तो ये चीज कहीं भी सिखाई नहीं जा रही है, किसी को भी सिखाई नहीं जा रही है। और जो सबसे जरूरी है, अगर हमें ये पता हो कि मेरी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, मेरे शरीर के लिए भोजन कैसा होना चाहिए, मेरे शरीर के लिए सुबह मैं किस टाइम जगूं जो मेरे शरीर के लिए ठीक है और किस टाइम मैं सोऊं जो मेरे शरीर के लिए ठीक है, अगर ये जानकारी मुझे हो जाए तो मैं कितना बड़ा ज्ञान मुझे मिल जाए। क्योंकि देखो, पैसा कमाते हैं, राजीव दीक्षित जी बोलते हैं कि पैसा कमाना बहुत मतलब आसान है, बहुत आसान, लेकिन सबसे ज्यादा जो मुश्किल है वो है अपने आप को स्वस्थ रखना। पैसा कमाना आसान है, अपने बच्चों को संस्कार देना, अपने शरीर को स्वस्थ रखना वो मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि उस विषय में कहीं भी कोई भी ज्ञान दिया नहीं जा रहा है, और अगर ज्ञान मिल जाए तो सबसे आसान है। ये भी है, अगर ज्ञान मिल जाए कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, टाइम टू टाइम करना है, तो कितना आसान हो जाता है। जब हम बीमार होते हैं तब हम, अगर हमारी गलतियों को हमें कोई बताए कि आपने ये चीज गलत खाई थी, आपने आपका रूटीन ये था, आप गलत टाइम पे सोते थे, आप गलत टाइम पे उठते थे, अगर सिर्फ इतना भी बता दिया जाए कि आपने खाने में क्या गलती की थी, तो हम उसको सुधार लें। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है, बीमार हो गए, दवाई ले ली, उसके बाद ठीक हो गए, लेकिन गलती कहाँ हुई ये कहीं भी अभी भी नहीं बताया जा रहा। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? क्या बचपन से ही बच्चों को स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जाती है, क्या वो नहीं सिखाना चाहिए? वो सिखाना चाहिए। अगर वो बचपन से ही सीख लिया तो इवन अपने स्वास्थ्य पे तो वो खर्च नहीं करेगा, और अगर जितना भी कमाएगा कम से कम उसको बचाएगा तो जरूर, उसको बचाएगा भी तो कम, अगर वो कमा रहा है तो उसमें भी वो सुखी रहेगा। लेकिन आज हम सुखी नहीं हैं, किसी के पास कितना मर्जी पैसा है फिर भी वो सुखी नहीं, क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं है, सीधी सी बात है, ज्ञान नहीं है। और सबसे धन्यवाद करती हूँ मैं राजीव दीक्षित जी का, जिनको सुनकर हमें ये एहसास हुआ कि हम कितने बड़े महामूर्ख हैं जो यही नहीं पता कि इस शरीर की जरूरतें क्या हैं, इस शरीर की जरूरतें क्या हैं। हमें एक गाड़ी की जरूरत का पता चल जाएगा कि उसको सर्विस की जरूरत है, उसमें ये डालना है, उसमें वही सीधा सीधा मतलब पेट्रोल डलेगा, डीजल वाली में डीजल डलेगा, लेकिन मुझे अपने शरीर में नहीं पता कि मुझे इसमें चाय नहीं डालनी है।
चाय सबसे ज्यादा खतरनाक। मुझे इसमें मैदे की चीजें नहीं डालनी है क्योंकि वो मेरे शरीर के लिए खतरनाक है। ठीक है, तो ये समझ अगर आ जाए तो हमारे परिवार की समृद्धि भी बचेगी, क्योंकि हमें पता होगा कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो सबसे ज्यादा जो महिलाएं हमारे साथ जुड़ रही हैं, ये लगाइए अगर वो इतना सा ही सीख ले, थोड़ी सी दिनचर्या सीख ले और थोड़े थोड़े से रोगों के बारे में सीख ले, ज्यादा ना सही प्राथमिक उपचार करना सीख ले, तो वो अपने घर की बहुत सारी बीमारियों से अपने घर को बचा सकती है और साथ में अपनी समृद्धि को भी बचा सकती है। स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के साथ जब हम जुड़ते हैं तो सिर्फ हम एक विचार लेके जुड़ते हैं कि पैड पे काम करना, यही होता है, पैड की कंपनी है, पैड पे काम करना है। तो पैड के बारे में जब भी कोई जुड़े तो सबसे पहले उसका जो कर्तव्य होता है वो होता है कि डेमो करना। जब भी वो जुड़े उसके पास ज्वाइनिंग किट जाए, मैं बार बार यही कहती हूँ कि सबसे पहला काम करिए कि डेमो करिए, पहले अपने प्रोडक्ट को जानिए, पहले अपने प्रोडक्ट को समझिए कि ये वाकई में बना किस चीज से है। आज हम सिर्फ हर चीज में रेट को कंपेयर करते हैं कि ये इतना महंगा है ये इतना सस्ता है। अब वो सस्ता है क्यों ये भी आप समझिए, क्योंकि जिसके अंदर जितनी क्वालिटी होगी वो उसी के हिसाब से सस्ता होगा। किसी में कुछ क्वालिटी है, किस चीज से वो बना है, क्या उसका मटेरियल है, उस हिसाब से आप उसकी कॉस्ट को तय कर सकते हैं। मार्केट में आज हमें यही है कि बस ठीक है मेरे घर के लिए तो सस्ती चीज मुझे ठीक है। खाने की चीजों में भी हम सस्तापन देखते हैं, जैसे मैंने कल दूध के बारे में बताया था, अच्छी क्वालिटी का अगर आप देसी गाय का दूध लोगे तो वो महंगा मिलेगा बाकी का सस्ता मिलेगा। वही चीज अगर आप अच्छे मतलब तेल कच्ची घानी का तेल लोगे और उसको अपने आप अगर देखोगे कि कितने रुपए किलो हमें सरसों पड़ रही है, सरसों में से कितना तेल हमें निकलता है, अगर आप उस चीज का अनुमान लगाओगे तो आपको पता लगेगा कि तेल की असली कीमत होनी क्या चाहिए। वही चीज हम बात करते हैं कि पैड में आप उसकी पैड की पहले क्वालिटी को चेक करिए कि इसमें ये इस चीज से बना है और ये इस चीज से बना है, तो रेट में तो अंतर आएगा ही। आज सुबह सुबह अमृता जी से मेरी बात हुई, अमृता जी जो अभी अभी जुड़ी हैं, बिजनौर से हैं, रेणु जी की टीम से हैं, उन्होंने अभी 15 दिन पहले ज्वाइन किया और बहुत अच्छा सुबह सुबह आज फोन करके मेरी बात हुई उनके साथ कि मैं कैसे अपने काम को बढ़ा रही। तो उन्होंने जो बताया सीधा सिंपल वे में बताया कि मैं हर महिला के साथ मिलती हूँ, उनको अपने पैड के बारे में बताती हूँ, लेकिन जब वो कहते हैं कि भाई ये पैड महंगा है तो ये सस्ता है, तो मैं फिर सबसे पहले प्लास्टिक का नुकसान उनको बताती हूँ कि ये प्लास्टिक से बना है, तो आप बताइए कि प्लास्टिक हमारे शरीर के लिए कितना खतरनाक है। क्या आप अपने बच्चों को अभी प्लास्टिक के टिफिन में मतलब खाना बना के देते हो स्कूल में? मतलब उदाहरण उनके सामने ऐसे ऐसे रखते हैं कि सामने वाला मानता है। मुझे काफी अच्छा लगा उनसे बात करके कि 15 दिन पहले ज्वाइन किया और इतने अच्छे से वो बता रही है कि जैसे बहुत एक्सपीरियंस उनके पास है, क्योंकि उन्होंने एक ही चीज पकड़ ली कि ये चीज जो है ये मार्केट वाला जो पैड है ये प्लास्टिक से बना है। तो वही सिर्फ एक ही चीज को लेके कि प्लास्टिक हमारे लिए कितना खतरनाक है, कैसे हम कैंसर की तरफ बढ़ रहे हैं सिर्फ प्लास्टिक का यूज करके, और इसमें सिर्फ यही बता दो कि क्या आप जो पैड यूज कर रहे हैं वो प्लास्टिक फ्री है, उसके बाद प्लास्टिक का यूज आप कहाँ कहाँ कर रहे थे, और गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के अनुसार टीवी में भी आता है कि बच्चों को टिफिन स्टील का यूज करना है, प्लास्टिक की चीजें उसको अवॉइड करना, प्लास्टिक कितना खतरनाक है वो समय समय पे सरकारें भी आपको बताती हैं, लेकिन एक ही चीज को पकड़ के बहुत अच्छा काम को निकाल रही है। क्यों? क्योंकि उदाहरण अपने बच्चों से लेके अपने परिवार से लेकर अगर हम देते हैं तो वो असर करता है। तो सबसे पहले सभी ने डेमो करना है, डेमो करने के बाद जो जो फर्क आपको लगा, जो जो अंतर आपको लगा, वो अंतर आपने दूसरों को बताना है और इतने सिंपल वे के साथ बताना है, और उदाहरण भी उसी से जुड़ा हो तो बहुत अच्छा।
दूसरे को इन्वॉल्व करके उन्हीं के माध्यम से वो उदाहरण अगर हम देते हैं तो वो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है उस चीज का। तो सबसे पहले डेमो करना सीखिए, उसके बाद हमारा पैड कितनी लेयर से मिलके बना है ये आपको पता होना चाहिए, और वो लेयर क्या-क्या काम करती है ये पता होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। आपने पैड को खोला, ठीक है, उसकी एक-एक लेयर आपने देखी, तो हमारा पैड 8 लेयर से मिलके बना है, जिसमें सबसे जो बेस होता है वो होता है टिश्यू पेपर। बेस जो है वो टिश्यू पेपर का है, तो पहली जो लेयर है वो टिश्यू पेपर की है, दूसरी लेयर जो है एनायन चिप है। टिश्यू पेपर का जो काम होता है वो होता है ऑब्जर्व करके सूखा रखना, ठीक है। सबसे पहली लेयर मान लीजिए वो जब उस पे गीला होता है तो वो सूखेपन का एहसास हमें दिलाती है, तो सबसे पहली लेयर जो होती है टिश्यू पेपर वो अच्छे से उसको सोख के और वहां पे सूखापन बनाए रखती है। उसके बाद ये एनायन चिप का है, एनायन चिप एंटी बैक्टीरियल चिप होती है जो कीटाणु रोधी होती है, हर प्रकार के कीटाणुओं को जो पैड इसके पीरियड के दौरान हमारे शरीर से निकलता है, हमारी वजाइना से निकलता है, उनको ये मारने का काम करती है, तो ये आ जाएगा। तीसरा फिर टिश्यू पेपर होता है, क्योंकि टिश्यू पेपर बाइंडिंग का काम करता है, इसको अच्छे से बांधने का काम करता है। उसके बाद ऑक्सीजन लेयर, ठीक है, 2 ऑक्सीजन लेयर दी गई हैं, और वो ऑक्सीजन लेयर बिल्कुल पतली सी होती है, बिल्कुल पतली सी, और उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो आप उसको आसानी से देख भी सकते हो और दूसरे को दिखा भी सकते हो। जो ऑक्सीजन की लेयर होती है उसका क्या काम होता है, उसका काम होता है अंदर की जो गर्म गैसें निकलती हैं पीरियड के दौरान, गर्म भाप निकलती है, उनको ये ठंडी कर देती है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, गर्म भाप बाहर निकलेगी, तो ये वातावरण के वहां के जो टेम्परेचर है उसको बैलेंस करने का काम करती है। उसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें जिलेटिन जेल यानी केले के तने का बना हुआ पाउडर, जो जिस जिस प्रकार उस पे लिक्विड डलता है तो वो जेल में बदल जाता है, जेल में, ठीक है, तो ये सोखने की क्षमता को बढ़ाता है, प्लस हमें ठंडक भी देता है, इससे हमारे सोखने की क्षमता बढ़ जाती है, और हम ये जो इसका जो टेम्परेचर है वो भी मतलब ठंडा लगता है, ये गर्म नहीं लगता, गर्मी पैदा होने नहीं देता है। उसके बाद टिश्यू पेपर ही रहता है, और लास्ट की लेयर भी टिश्यू पेपर रहती है। उसके बाद उसपे जो गम का यूज किया गया है वो भी फ्रूट गम का यूज किया गया है, तो ये इतना तो नहीं चिपकता है जितना प्लास्टिक वाला चिपकता है, क्योंकि वो केमिकल की गम उस पे लगी होती है, इसलिए हम बताते हैं कि पहले ही आप इसको पैंटी पे सेट करके रखिए, क्योंकि थोड़ा सा प्रेस करोगे, प्रेस मतलब हाथ से ही इसको दबाओगे अच्छे से, तो ये बहुत अच्छे से चिपक भी जाता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं चिपकता है, लेकिन शुरुआत में आपको जरूर ऐसा लगता है कि जितना मार्केट वाला चिपक रहा था उतना ये नहीं चिपकता है, तो इसका कारण यही है, क्योंकि एक तो टिश्यू पेपर के ऊपर फ्रूट गम का यूज किया गया है, तो उतना नहीं चिपकेगा जितना मार्केट वाला चिपकता है, क्योंकि वो केमिकल से बना होता है, तो ये अगर हम पहले ही बताएं तो सामने वाला इस पे फिर कोई सवाल जवाब नहीं करेगा, तो ये हमें जरूर पता होना चाहिए। उसके बाद जब भी हम फ्रेंचाइजी ऑर्डर करें तो फ्रेंचाइजी में हमें पता होना चाहिए कि अगर हम 6 किट और 12 किट, 6 किट करते हैं तो हाफ फ्रेंचाइजी, 12 किट करते हैं तो फुल फ्रेंचाइजी, तो उसपे हमारा कोई कोरियर चार्ज नहीं लगता है। 2400 की बड़े किट की हाफ फ्रेंचाइजी होती है, और 4800 की बड़े किट की फुल फ्रेंचाइजी होती है। इसी प्रकार छोटे किट भी हमारे पास उपलब्ध हैं, छोटे किट यानी एक पाउच को पैक किया गया है, एक्सेल साइज का जो पाउच होता है उसमें 7 पीस रहते हैं और 8 रहते हैं, और डबल एक्सेल में 7 रहते हैं,
ठीक है, तो उसकी भी पैकिंग अलग से छोटी पैकिंग तैयार की गई है। तो उसकी अगर हाफ फ्रेंचाइजी मंगाते हैं तो उसकी हाफ फ्रेंचाइजी 2800 की पड़ती है, 70 रुपए का पीस वो पड़ता है। और अगर फुल फ्रेंचाइजी मंगाते हैं तो 5600 का पड़ता है, उसमें 80 पीस रहते हैं। और इनकी पिन आपकी बड़े किट के हिसाब से ही आती है, ठीक है। हाफ फ्रेंचाइजी की 6 पिन आती है और फुल फ्रेंचाइजी की 12 पिन आती है। और ये पिन आपकी आईडी पे 1 वीक के अंदर अंदर आ जाती है। तो आपने अपनी आईडी पे चेक करके बताना है अपने ट्रेनर को कि आपकी पिन आई है या नहीं आई है, क्योंकि बाद में अगर आप लोग चेक नहीं करोगे और बहुत दिन के बाद, तो फिर पता ही नहीं लगता कि भाई हाँ वो चीज आई, पिन आई भी थी या नहीं आई थी। तो 1 वीक के अंदर अंदर आपने उसको अपने ट्रेनर से बोलना है, आ गई है तो बहुत बढ़िया, नहीं भी आई है बाई चांस अगर किसी की छूट जाती है तो वो अपने ट्रेनर से संपर्क करे। फिर उसको लगा देना है, पिन को कभी भी पेंडिंग मत रखो, ठीक है, उसको लगा दो। क्योंकि उसी पिन को लगाने से हमारा लेवल इनकम बनता है, लेवल इनकम, ठीक है। वो मैं पिन लगाऊंगी उससे भी बनेगा, मैंने जिसको ज्वाइन करा अगर वो पिन लगा रही है तो वो भी मेरे सेकंड लेवल में काउंट हो रही है। यानी जितने भी हम काम कर रहे हैं तो कोई ना कोई किसी ना किसी लेवल पे काम हो रहा है, और आपकी पिन उसके लेवल को बढ़ाती है। तो आपने जब भी आपके पास पिन आए तो आपको उसको देख के कि कौन से लेवल पे कौन सी पिन लगनी है, तो उसके हिसाब से आप ये लगा देनी चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए। और ये क्योंकि क्या होता है, हम भूल भी जाते हैं कि कितनी पिन मेरे पास आई थी और कितनी नहीं आई थी। इसके लिए सबसे अच्छा है कि एक डायरी भी आप अपनी मेंटेन करके रखें। आप अपनी डायरी में सबसे पहले तो अपनी टीम के बारे में अपना रिकॉर्ड रखें कि आपकी आईडी और पासवर्ड क्या है, फिर आप अपनी टीम की आईडी और पासवर्ड भी आप उसमें लिखिए। पैड के बारे में आप उसमें लिखिए कि कितनी लेयर से मिलके बना, बेसिक से आपको याद है, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपनी डायरी को मेंटेन करके जरूर रखिए कि आपकी पैड के क्या क्या फायदे हैं, उसके बाद पैड कितनी लेयर से मिलके बना है, हर लेयर का क्या फायदा है, ये आपकी डायरी में होना चाहिए। उसके बाद जेल, जेल के क्या क्या फायदे हैं, जैसे हर रोज फीडबैक आते हैं तो आप ना उसमें अगर वो पॉइंट आपको लग रहा है कि हाँ ये अलग है तो आप अपनी डायरी में उसको लिख लीजिए। कई बार क्या होता है, सामने से फील्ड में अगर हम जाते हैं, कई बार कोई क्वेश्चन कर लेता है और इतना समय नहीं होता कि आप अपने सीनियर से पूछो। अगर आपके पास डायरी है और उसमें वो पॉइंट लिखा है तो आप अपनी डायरी से ही देख के उसको बता दोगे। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है, सीनियर उसी टाइम फोन नहीं उठाता, होता है ना, क्योंकि सीनियर को तो पता ही नहीं कि इस टाइम आपका आपको कुछ जरूरत है, क्योंकि वो भी कहीं पे बिजी हो सकता है। फिर क्या होता है, फिर आपको वहां पे मतलब नेगेटिविटी फील होती है कि अरे मेरे सीनियर ने अगर मेरा फोन उठा लिया होता तो मेरा काम ये बन जाता, मैं इस महिला को कुछ बता देती। लेकिन उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि अपनी डायरी मेंटेन करो। आपको जो भी लगता है, जो भी अच्छी चीज लग रही है, जो भी फीडबैक है कि इस पैड से ये बीमारी ठीक हो रही है, आप उसको अपनी डायरी में नोट कर लो। आपको लगता है कि जल्द से ये बीमारी ठीक हो रही है तो अपने डायरी में उस चीज को नोट कर लो, ताकि आपको जरूरत पड़े तो इधर उधर भागना ना पड़े, और अपने अपनी डायरी में देख के आप सामने वाले को बता सको कि हाँ आप यूज करिए, ये पैड ऐसे यूज करिए और ये ठीक हो जाएगा आपका। ये जो कई बार ये पूछते हैं कि जैसे शरीर निकलता है तो कितने दिन लगाना है, देखो कितने दिन का कोई नहीं बता सकता, ये भी आप थोड़ा सा इसमें मेंटेन करना। मैं ये बोलती हूँ किसी को भी आप एक किट यूज करिए और आपको कितना फर्क लगा आप ये मुझे बताइएगा, उसके बाद मैं बताऊंगी कि आपने कितने दिन यूज करना है, क्योंकि मुझे नहीं पता सामने वाले को कितनी ज्यादा दिक्कत है, कितनी पुरानी दिक्कत है और कितने दिन में वो ठीक होगी। एक्चुअली ये बात किसी को भी पता नहीं होती है। तो अगर मैं उसको फिक्स समय बताती हूँ कि इतने दिन में ठीक हो जाएगा, तो क्या होता है, उसके सामने एक टारगेट रख दिया, हो सकता है उससे पहले ठीक हो जाए, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी ये है कि आपको आप ये एक पूरी किट है इसको डेली यूज करिए,
और हो सकता है आपका इसी में ठीक हो जाए, नहीं तो एक बार बताना कि कितने परसेंट ठीक हुआ है, उसके बाद फिर आगे आपको बता देंगे कि कितने दिन और यूज करना। तो एग्जैक्टली इसमें क्या होगा, इसमें मतलब हम बंधते नहीं हैं कि आपने कहा था इतने दिन में ठीक हो जाएगा, ये तो हुआ ही नहीं है, ठीक है ना। तो वो वाली चीज, कितने दिन में ठीक होगा ये आपकी बीमारी के ऊपर निर्भर करता है, कितने दिन पुरानी है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो ये कभी भी ये नहीं है कि इतने दिन में ये ठीक हो जाए, हाँ जल्दी ठीक हो जाए ये, ठीक है। उसके बाद जितनी भी फ्रेंचाइजी आप लोग ऑर्डर करते हो, किस डेट में आप लोग ऑर्डर करते हो, वो भी अपनी डायरी में आप मेंटेन करके रखो, और जब आपको उसकी पिन मिल जाए तो उसके सामने आप लिख दो कि इसकी पिन आ चुकी है। देखिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे पास अभी एक महिला है जो फरवरी की पिन की डिमांड कर रही है। आप ये बताइए कि फरवरी आज था क्या, जब हमने इस कंपनी में ज्वाइन किया था उसके बाद आज वो मुझे बोल रही है कि मुझे फरवरी की पिन चाहिए। तो इतनी पुरानी स्लिप निकालना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि बहुत पुरानी चीजें कई बार, मतलब देखो इतना काम होता है, कोई ये तो है नहीं कि भाई सिर्फ 2, 4, 10 महिलाएं ही मतलब काम कर रही है। अभी कंपनी में ये लगाओ कि कम से कम 1,000 महिलाएं काम कर रही है, तो इतनी स्लिप निकालना, उसकी इतनी पुरानी स्लिप निकालना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो वहां पे फिर क्या होता है, वहां पे नेगेटिविटी आ जाती है हाँ अपनी, मतलब देखो मेरी गलती है, ठीक है वो कोई नहीं कहेगा, अब गलती किसकी है, मेरी गलती, मतलब सामने वाले पे डाल दिया कि मैडम आपकी गलती है, दीदी आपकी गलती। अब मेरी गलती तो देखो ये बताइए कि मुझे, मैंने तो सबका करा दिया, ठीक है, क्योंकि मैं कोई पर्टिकुलर नाम तो है नहीं कि इसका नहीं कराना है इसका कराना है, क्योंकि मेरे लिए तो आप सभी मेरा परिवार है। और सबसे मतलब जरूरी है मेरे काम से पहले आपका काम कराना, लेकिन बाई मिस्टेक बीच में हो सकता है कि कोई वजह रही हो, क्या रही क्या नहीं रही, तो वो पिन क्यों नहीं आई, और अगर वो 15 दिन के अंदर अंदर, 8 दिन के अंदर अंदर, चलो महीने के अंदर अंदर भी अगर आप बताते हैं तब भी आपका काम हो जाएगा। ऐसा आज तक नहीं हुआ कि किसी का कोई भी काम पेंडिंग रहा, कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। अब ये जो मतलब चलो हो रहा है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि भी 15 दिन मतलब या तो हफ्ते में, हफ्ते के अंदर अंदर पिन आ जाती है, तो अपनी पिन आपकी आ गई उसको लगाना सीख लीजिए, अपनी डायरी में उसको नोट करिए, और क्योंकि नोट करोगे आपको पता रहेगा कि कितनी पिन मेरे पास आई है और कितनी पिन मेरी नहीं आई है, किस डेट की आ गई है किस डेट की नहीं आई है। तो ये सारी चीजें देखो सीखनी पड़ेंगी, ये सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी, इससे आपका भी काम बहुत आसान होगा, आपके सीनियर का भी काम बहुत आसान होगा। दूसरी बात, जिस भी महिला को आप ज्वाइन कराते हो तो आप समझिए कि ये आपका बच्चा है, ये मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि उसको कुछ नहीं पता, उसको कुछ नहीं पता, वो सिर्फ आपके भरोसे पे ज्वाइन ज्वाइन कर रही है। आपने उसको पैड अच्छा लगा, या आपने बताया कि आप काम कर लीजिए, उसने आप पे भरोसा किया और वो आपकी टीम में शामिल हो गई, तो वो आपका आपके बच्चे के समान है। आप उसको हर चीज आप बताना वो आपकी जिम्मेवारी है, उसका हर काम कराना वो आपकी जिम्मेवारी है। तो इस चीज को भी समझिए, जो भी महिला किसी की भी माध्यम से ज्वाइन हो रही है संस्था में, तो सबसे पहला उसका सीनियर वो है आपको, उसके बाद हम हैं, ठीक है। हम तो ठीक है सभी के, मान लीजिए सभी के लिए काम करते हैं, सभी के लिए मीटिंग लेते हैं, लेकिन पर्सनली कितनों को जानते हैं, पर्सनली कितनों को जानते हैं ये तो आप भी समझते हैं, लेकिन अब आपका क्या है कि आप उनको पर्सनली जानते हो, तो आप उनको बताइए कि कैसे उनका काम आगे बढ़ेगा, कैसे वो पिन क्या होती है, फ्रेंचाइजी कैसे ऑर्डर करनी है, और सब कुछ ये आपका कर्तव्य है उसको बताना। तो ये जरूरी है, कुछ बातें थी, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है। मैंने जैसे बोला कि शुरू में ही जो टॉपिक लेके चली थी कि सीखना बहुत जरूरी है, सभी प्रकार के रोगों को भी आप अपनी डायरी में लिखिए, ठीक है, कि वजाइना से संबंधित कौन कौन से रोग होते हैं ये भी आप अपनी डायरी में मेंटेन करिए। लिक्योरिया होता है,
लिक्योरिया में आप क्या क्या दे सकते हो। ठीक है, लिक्योरिया होता है तो उसमें हमें डेली पैड यूज कराने हैं, और उसके साथ साथ घरेलू में क्या क्या देना है वो आप एक तरफ लिख सकते हैं। उसके बाद अगर किसी को हैवी ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, तो वो लिखिए कि हैवी ब्लीडिंग में ऐसे यूज करना है पैड, और उसके साथ साथ नीचे घरेलू में हमें क्या क्या देना है। उसके बाद कम ब्लीडिंग हो रही है, कम ब्लीडिंग में क्या क्या देना है और पैड कैसे यूज करना है। उसके बाद रसोली होती है, रसोली में, रसोली और फाइब्रॉइड ये दोनों हैं अलग अलग, लेकिन इनका ट्रीटमेंट एक ही होता है। उसके बाद भाप, ठीक है, भाप भी एक विधि है वजाइना को स्वस्थ रखने की, पीरियड को सही रखने की। तो भाप के बारे में लिखी अपनी डायरी में कि ये ऐसे ऐसे देनी होती है, ठीक है, इतने मिनट देनी होती है, इतने मिनट मसाज करनी होती है, इतने मिनट हमें वो हॉट पैक लगाना होता है। तो ये सारी चीजें आप अपनी डायरी में अच्छे से मेंटेन करिए, क्योंकि बार बार आपको ना तो पोस्ट मिलती है और बार बार ना आपको सीनियर मिलता है। सीधी सी बात, बार बार नहीं मिलता। हाँ, एक बार आपने पूरी अच्छी तरह से मेंटेन कर ली तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ और जो परेशानियां हैं पीरियड से संबंधित होती हैं हर रोज, जो पैड को हम किस किस कंडीशन में कैसे कैसे यूज कर सकते हैं इसके बारे में हम कल सीखेंगे, ताकि आप अपने पैड में अपने मतलब पैड को कैसे कैसे हम यूज करवा सकते हैं, किस किस बीमारी में, ठीक है, और क्या क्या, मान लीजिए फीडबैक तो हम रोज सुनते ही रहते हैं, तो फीडबैक जो भी आपको अच्छा लगे उसको तुरंत आप लिख लीजिए, लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अभी हैंड रेज ले लेते हैं जिसको भी कुछ भी पूछना है, और भैया जी आपको और कुछ कहना है तो आप मतलब बोल सकते हैं, या कुछ और ऐड करना हो आपको। वंदे मातरम जी, बहुत बढ़िया। ये तो पूरी सबसे कड़वी सच्चाई है कि सीखना ही सबसे पहले जरूरी है। जिसने जिसको सीखने की इच्छा हो, जिसने सीखना बंद कर दिया उसका तो जीवन वहीं से नरक होना शुरू हो जाता है। तो सीखना बहुत जरूरी है हर क्षेत्र में। आपको जिस भी क्षेत्र में काम करना है, कामयाब होना है उस क्षेत्र, क्योंकि राजीव भाई के व्याख्यानों में ही ये बात बड़े सरल शब्दों में बताई गई थी कि आपको जिस क्षेत्र में काम करना है उस क्षेत्र का स्वाध्यायी बने। मतलब स्वाध्यायी मतलब सीखना। कुछ चीजें हैं, कोई लोग सिखाएंगे, कोई लोग बताएंगे, कुछ लोग नहीं भी बताएंगे, कुछ छुपाएंगे। तो एक नकलची बनने का बहुत अच्छा है कि आप सीखिए। और यहाँ तो जो नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से तर्ज पे बनाया गया जो स्वास्थ्य फ्रीडम केयर है, इसकी एक खासियत होती है नेटवर्क मार्केटिंग में कि यहाँ पे जो आपका सीनियर है, जो आपको लाया है, वो कभी भी आपको गलत राय नहीं देगा। तो इसलिए यहाँ जो सिखाया जाता है वो कभी ऐसी बातें नहीं सिखाई जाएगी जिससे कि आपका नुकसान हो किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का। तो कम शब्दों में ही मैं मीटिंग को यहीं पे अपनी वाणी को समाप्त देता हूँ। बाकी आप में से किसी को कोई प्रश्न उत्तर है तो आप हैंड रेस कीजिए, रीना दीदी से पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, बता सकते हैं दीदी। और बहुत अच्छा चल रहा है इस तरीके की मीटिंग जो चल रही है। मुझे बाकी आज अभी आधे पहले शुरू में आधे थे, अब पूरे आ गए हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप लोग समय पे आए। 11 बजे शुरू है और शाम की है जो 8 बजे की है। और शाम के समय में जो मीटिंग होती है उसमें आप जैसी बहनें, आप जैसे भाई जो हैं उनको ये मौका दिया जा रहा है कि आप अपने मन की बात रखें, अपने बारे में बताएं, आपको मतलब जो भी है आपका मन है। और सुबह के समय में ट्रेनर, टीम लीडर, ये सब अपने अपने अनुभवों से, अपने ज्ञान से हमें ज्ञानित करेंगे। और आज शाम का दीदी को मैं कहूंगा कि दीदी रेनू दीदी जो है कांजून से, तो उनका आज शाम को 8 बजे उन्हें सुनने का मौका मिलेगा हमें। एक ज्वाइंट फैमिली में रहते हुए बहुत ही, क्योंकि मैं तो करीबी से जाके देखा तो काफी अच्छा लगा कि बहुत कम ही ऐसे परिवार हैं जो ज्वाइंट फैमिली में हैं। तो जी दीदी आप आगे कंटिन्यू कीजिए। हाँ, वर्षा चड्डा जी, मैंने माइक वो ऑप्शन पे डाल दिया, आप लोग म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं, सवाल करने के बाद अपने माइक को म्यूट कर लें। दीदी वंदे मातरम, वंदे मातरम जी।
सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से सारी बातें समझाई, अच्छे से समझ में आया काफी कुछ, जो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो कुछ समझ में आया, थोड़ा कोशिश करेंगे आगे। और दीदी एक गुड़िया है, उसकी 12 साल एज है और आज ही उसको पीरियड हुआ है, तो उसको भाप आज से ही स्टार्ट कर सकती है? जी हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप थैंक भी यू। स्टार्ट करिए, गरम पानी में घी डाल के पीना है वो स्टार्ट कर दीजिए, साथ में पैड तो आपने ये यूज करवाने ही है, पैंटी पे पहले ही लगा के उसको सेट करके दीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए। ठीक है दीदी, ओके दीप्ति शर्मा ओके जी, धन्यवाद दीदी। वंदे मातरम। दीदी अभी जी उसको मैं मतलब अभी अभी मैंने एक को पेट के बारे में जानकारी दी, तो उनकी समस्या है कि उनको 2-3 महीने से पेट नहीं आए और मिसकैरेज हो गया था उनका, तो उनको मैंने भाप का बता दिया है और मतलब क्लीनिंग का उसके बाद में बताया, पर मैंने अभी भाप फिलहाल में तो भाप ही बताई है, तो इसके अलावा और कुछ बताना है? भाप का बता दीजिए, और जैसे अरंड के तेल की मसाज करनी, ठीक है, साथ में होट पैक लगाना, एक समय ये कर ले और एक समय भाप भी ले ले। और एक भैया बताते हैं, जैसे क्या होता है भैया, वो मेथी तिल मतलब कलौंजी, इसका पाउडर जो बताते हैं भैया, थोड़ा सा बता दीजिए आप, रिपीट कर दीजिए कि मेरी डायरी नहीं है। अजवाइन, कलौंजी, सौंठ, काला तिल, बथुए के बीज, गाजर के बीज, मूली के बीज, जो जो उपलब्ध हो, जो जो उपलब्ध हो। और यहाँ पे अभी एक बात आई तो मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगा आप सभी को, कभी भी गर्भपात हो जाए, गर्भपात होने के बाद गर्भाशय की सफाई करवानी बहुत जरूरी है। तो जरूरी नहीं है कि वो गर्भाशय की सफाई कराने के लिए हमें हॉस्पिटल ही जाना है, हम अपने रसोई घर की कुछ औषधियों से भी हम गर्भाशय की सफाई कर सकते हैं। उसके लिए क्या है, मुझे भी थोड़ा देखना पड़ेगा, तो दो ज्यादा नहीं, दो तीन चीजें हैं, उनमें से एक तो सोट तो है ही, और वो मैं देख के अभी आपको बता देता हूँ, बीच में ही ग्रुप में टाइप कर दूंगा। जी उससे भैया, क्या होता है कि जिस तरीके से गर्भपात होने के बाद कुछ कचरा रहने का डर होता है, इस वजह से सफाई की जाती है, तो उसको कहा जाता है कि जब आपका गर्भपात हो जाए तो हर बार जब भी मासिक धर्म आए तो उन मासिक धर्म के दिनों में उसका सेवन करना ही करना है, जिससे कि और मासिक धर्म अच्छे से खुल के आए। तो वो सोंठ है, एक मिनट होल्ड कीजिए, एक मिनट मैं निकाल लेता हूँ अपनी डायरी। भाई जी अजवाइन भी दी जाती है? दीदी मैं एक्चुअली क्या उसमें कुछ और चीज है, एक मिनट, अच्छा भाई, एक मिनट, मैं अभी गर्भपात, 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 क्योंकि तो ये मेरे पास एक मुंबई का केस आया था बहुत पहले, तो उनको 3 बार सफाई कराने के बावजूद भी उनका कुछ ना कुछ अंश रह जा रहा था। तो ये जो इस्तेमाल करनी है वो करनी है सौंठ दरदरा, मतलब पाउडर नहीं, दरदरा। अपने अपने माइक को म्यूट कर ले प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है, ये तो मुझे टेप लगाना आता है, मैं मुंह पे टेप लगा दूंगा 2 मिनट में। गर्भपात के बाद सभी कष्टों को दूर करने के लिए आप ये समझे कि इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, सोंठ दरदरा कूटा हुआ, खरबूजे के बीज और गोखरू दरदरे कूटे हुए, सोंठ और खरबूजे के बीज दोनों 10-10 ग्राम लेना है, गोखरू जो है छोटा गोखरू जो है बड़ा गोखरू, दोनों में से जो भी आपको उपलब्ध हो जाए, ऐसे छोटा गोखरू काफी अच्छा माना जाता है कि उसका गुणधर्म बड़े गोखरू से काफी अच्छा है। तो सौंठ दरदरा कूटा हुआ, खरबूजे के बीज दोनों 10-10 ग्राम, गोखरू 5 ग्राम, इसको 250 मिलीलीटर पानी में इतना उबालना है कि चौथाई रह जाए, और छान के इसमें स्वाद के अनुसार खांड, गुड़, मिश्री मिला के सुबह शाम पीना चाहिए। इससे गर्भपात के बाद होने वाली सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। और यूं समझिए कि जब भी मान लें कि गर्भपात हो गया हमारा, ठीक है, फिर अगली बार मासिक धर्म आया, आ गया मासिक धर्म, तब भी आपको कम से कम 1-2 दिन तो इसको पी लेना चाहिए, जिससे कि अंदर से जितना भी है विजातीय तत्व वो सब आपका बाहर आ जाए। और कम से कम 2 से 3 महीने इसे करना चाहिए। और क्योंकि जब भी एक बात कही जाती है कि गर्भपात हुआ और दोबारा आपको
गर्भ चाहिए तो कम से कम 6 महीने का समय लगना ही चाहिए, 6 महीने का गैप लेना ही चाहिए। तो इस 6 महीनों में होगा क्या, ये 3 महीने हम सफाई के रखेंगे, 3 महीने हम उसकी मजबूती के लिए रखेंगे, उसके कारण को जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से हमारा गर्भपात हो गया। तो कम से कम किसी को गर्भपात हो तो दोबारा गर्भपात के बाद गर्भ ठहरने के लिए 6 महीने का समय लें। दोबारा बता रहा हूँ, गर्भपात के बाद सभी कष्टों को दूर करने के लिए सौंठ, खरबूजे के बीज, गोखरू, सौंठ और खरबूजे के बीज 10-10 ग्राम, गोखरू 5 ग्राम, 250 ml पानी में इतना उबालें कि चौथाई रह जाए, स्वाद के अनुसार खांड, गुड़, मिश्री मिलाएं और इसे सुबह शाम पिए। इससे गर्भपात के बाद होने वाले सभी कष्ट, किसी भी तरह का, चाहे कष्ट हो रहा हो, दर्द हो रहा हो, या अंदर से क्लॉट्स टाइप के निकल रहे हो, पूरे क्लॉट्स नहीं निकले हैं, उन सभी, या यूं समझे कि गर्भपात हो गया उसके बाद से गर्भ भी नहीं आ रहा है, तब भी इसे आप उपयोग कर सकते हैं। हाँ, तो भैया जी, भाप के बाद ये लेने का बोलते हैं उनको दोनों टाइम? भैया भाप के बाद ये तो एक्चुअली क्या है, भाप एक, जी एक बार दोबारा बता दो, मेरी मीटिंग कट गई थी भैया बीच में से नेटवर्क की वजह से। अच्छा रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएगी, वहां जाके सुन लीजिएगा, सजाया यही है, यही सजा है, ठीक है। ठीक है, ऐसे फिर भी बोल दे रहा हूँ, आगे ये सजा सबके लिए है, आगे के लिए, अगर जिनको भी लिखने में दिक्कत हो गई हो, इन सभी के वीडियो आपको मिल जाएंगे, चाहे सुबह का, शाम का, हर जो मीटिंग होगी उसकी वीडियो आपको अगले दिन या उस दिन शाम तक मिल ओके जाएगा। सौंठ, दरदरा कूटा हुआ, खरबूजे के बीज, भैया इसके पेट में खुजली हो रही है, ठीक है, मंजू दुबे, आवाज कट मंजू दुबे, परमेश्वरी देवी जी, देखो तो अभी बोलने, उनका नाम लेने से पहले उन्होंने अपने माइक चेक करके बंद कर लिया, आपको यही कह रहा हूँ, अपने माइक को बंद ही कर लीजिए बोलने के बाद, ठीक है। कहाँ था, ठीक है, सौंठ, खरबूजे के बीज, गोखरू, सौंठ 10 ग्राम, खरबूजे के बीज 10 ग्राम और गोखरू 5 ग्राम, 250 ml पानी में डाल के उबालें, जब वो पानी चौथाई रह जाए उसमें खांड मिश्री मिला के सुबह शाम पीना चाहिए, ठीक है। अभी आवाज फर फर कहाँ हो, अनीता शर्मा दीदी, माइक बंद कर लीजिए प्लीज। चलिए सोनिया जी, सोनिया नमस्ते दीदी। जी नमस्कार। दीदी मैंने अभी क्या नाम था, क्या नाम सर का, भैया से बात करनी किससे? जी, गोविंद भैया से जी, इसने मेरे बच्चे का जो लिया था ना जी, फोटो वगैरह लिए थे, मैंने उससे बात करनी है जी, गोविंद मेरे को मीटिंग से। नंबर है ना आपके पास, मीटिंग के बाद कॉल कर लीजिएगा। भैया मिला नहीं, मैंने कब भी कॉल करने के लिए देखा, कल भी नहीं मिला। आप मिला लीजिएगा क्योंकि सारा दिन फोन में आते रहता है, मैं आपको, ठीक है, या तो दोबारा व्हाट्सएप कीजिएगा अपना नंबर, मैं आपको कॉल कर लूंगा, ठीक है, के ठीक बाद, भैया जी, ठीक ठीक। है। सुलोचना जी, सुलोचना जी नमस्ते दीदी जी। नमस्कार दीदी, मैं आपको एक अनुभव बता रही हूँ। जो मेरा भतीजी हुई थी ना, वहाँ 20 दिन की थी, उसका पीलिया हो गया था। तो फिर मैंने अपामार की जड़ी लेके आई वहां से, और उसके 11 टुकड़े करके और उसके गले में पहना दिया, और सुबह से टंकण भस्म चटाई शहद के साथ। दीदी बिना डॉक्टर ने तो ये बोल दिया था कि उसे शीशे में रखेंगे, वो बिल्कुल सब। आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है। दीदी मैं ये बोल रही थी, महा डॉक्टरों ने तो ये बोल दिया था उसको कि शीशे में रखने पड़ेगी गुड़िया। तो फिर मैंने अपामार की जड़की में बनाई उसकी माला, गले में पहना दी, और सुबह शाम थोड़ी थोड़ी सी टंकण भस्म के साथ शहद के साथ चटाई। तो अब उसे बिल्कुल पूरी तरह से आराम है, कोई दुआई नहीं, दुआई कुछ होने, बस उसे भस्म से ही यार
माला से पूरी तरह से राम हो गया। बहुत अच्छा फीडबैक है आपका, बहुत बढ़िया। और जितनी भी महिलाएं अभी जुड़ी हुई है, तो जिनके भी घर में बच्चा होता है और सब उसके बाद तुरंत बाद अभी क्या हो रहा है कि इसको पीलिया हो गया और अब ये शीशों में रखा जाएगा, तो इसके अनुसार काफी सारा पैसा आपका मतलब जा रहा है। तो बहुत अच्छा इनका फीडबैक है, आप सभी लोग नोट कर सकती हैं। और अगर आपके आसपास किसी भी बच्चे को इस तरह से बताया जाए कि उसको पीलिया हो गया, तो आप ये चीजें भी करवा सकती हैं, साथ में धूप भी लगानी है, ठीक है? तो दीदी ये पीलिया नहीं होता। दीदी ये मेरी भतीजी का भी है जी, आप इसको का नाम व्हाट्सएप पे उस पे डाल देती ग्रुप में जी। भी आपने नोट नहीं किया? नहीं जी भूल जाऊंगी जी, आप उसमें गिरवा देना, मेरी भतीजी का पीड़िया हो रहा है जी, अभी 7 दिन किए हैं। चलिए सुलोचना जी, एक बार लिख के डाल दीजिएगा ग्रुप में, ठीक है? लिख दोगे ना? आपका माइक बंद हो गया, या तो और लिख के दीदी डाल देना या ऑडियो बना के डाल देना, ठीक हाँ मेरी है? पति हो रहा जी, 7 दिन किया जी उसके हो रहा जी, और साथ में दीदी उसको आंखें भी आ गई थी उसकी, और मैंने उसको उसकी मम्मी का दूध तो देख डाला नहीं, मैंने नुहाते वक्त दो दो बूंद उसकी आंख में दूध की डालती थी, गाय का हो या भैंस का हो किसाई भी दूध हो, उससे उसकी आंख भी ठीक हो गई दीदी, साथ में आंखें आ गई थी बहुत ज्यादा उसकी। चलिए बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद एक सुलोचना जी। दीदी एक और फीडबैक जी बताइए। है, मेरी भाभी है ना, उसकी मम्मी को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई थी, उसकी उम्र 45-45 साल है, बहुत ज्यादा उसके, उसने डॉक्टर से दवाई भी ली एलोपैथी, उससे कोई आराम नहीं हुआ, तो फिर मैंने उसको बोला कि चने के दाने के बराबर फिटकरी लेकर एक गिलास पानी में उबाल कर वो पीना, उसे दीदी उसका भी पूरा हुआ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप सुलोचना जी, सच में बहुत अच्छा फीडबैक आप है। और लोगों की मेरे मेहरबानी है, तो आप लोग बता रहे हो तभी हम लोगों को ज्ञान है, वैसे तो था नहीं। तो मतलब लेके आप भी आगे दे रहे हो, सबसे बढ़िया बात है कि ले तो लिया लेकिन अपने तक नहीं रखना है, दूसरों को भी देना है और साथ में अनुभव इकट्ठे करने हैं और फिर यहाँ पे शेयर करना है, तो ये सबसे बड़ी बात होती है। परमेश्वरी दीदी वंदे मातरम दीदी, सभी को बहनों को वंदे मातरम दीदी। जी। मुझे तो ये पूछना था कि जैसे मैंने फ्रेंचाइजी 3 और मंगवा ली, वैसे मैंने घर पे तो नहीं मंगवाई लेकिन पेमेंट किया हुआ है, तो मुझे ये सारी पिन मिल सकती है क्या? मिली हुई है आपको तो 36 पिन, हाँ 36 पिन है। हाँ तो वही तो है, 3 फ्रेंचाइजी की 36 पिन आपके पास आई हुई है। हाँ देखिए फ्रेंचाइजी चाहे आपकी होल्ड भी क्यों ना हो, लेकिन कंपनी एकदम से ही आपको पिन ट्रांसफर कर देगी, ये नहीं है कि आपने 6 मंगवाई तो 6 ही आपको जाएंगी, 6 होल्ड है वो बाद में जाएंगी, नहीं, क्योंकि तो आपने एक बार ऑर्डर कर दिया, अब आप उसको होल्ड है आपकी, आप चाहे जिप मर्जी मंगवाओ या कहीं और मंगवाओ मतलब भेजो, तो ये आपकी टेंशन हो जाती है, लेकिन कंपनी से आपको 36 पिन आ चुकी हैं। हम कहीं और दूसरे सिटी में भिजवाते हैं वो भी मिल जाती है? हाँ मिल जाती है, अगर आप एक किट भी अगर आप कंपनी से कहीं भिजवाते हो तो उसका भी आपको पिन मिलता है। और जैसे ज्वाइनिंग किट में एक हमें एक किट मिली थी, उसकी भी पिन मिली है क्या? देखो वो पिन क्या होती है, वो ऑटोमेटिकली आपकी आईडी पे लगी होती है, क्योंकि आपने 0 से रजिस्ट्रेशन किया, जब आप हाँ किसी का 0 से रजिस्ट्रेशन करते हो तो अपनी आईडी खोल के आप वहां देख सकते हो कि वो आपके उसमें ऐड हो गया, आपकी आईडी में वो ऐड हो गया। अब जैसे ही आपने पेमेंट करके कंपनी में उसके पास भेजा, तो कंपनी उसका टॉपअप मतलब वहां पे पैकेज दिखा देगी 1,000 रुपए का, मतलब 1,200 का, अभी 1,200 की टॉपअप है तो 1,200 का पैकेज दिखाएगी, तो आपके 25 रुपए ऑटोमेटिकली उसमें जुड़ जाएंगे, उसकी पिन ही नहीं मिलती है, क्योंकि आपने 0 पिन से पहले उसका रजिस्ट्रेशन कर दिया, वो आपकी टीम में शामिल हो गई, आप खोल के देख भी सकते हो उसको, ठीक है? और फिर जी आपने उसका 1,200 का पेमेंट किया और कंपनी ने उसको टॉपअप दिखाया, तो वो आपकी उसमें काउंट हो गई, तो 25 रुपया आपको उसका मिला, वो आपकी जितनी भी आइडिया लगी है उनमें काउंट हो गई, ठीक है?
तो वो उसकी पिन अलग से नहीं मिलती है, लेकिन वो पिन ऐड जरूर होती है। ठीक है, दी जैसे आपके पास अभी 36 है और एक पिन आपने एक आईडी टॉपअप लगवाया है तो 37 हो गई। ठीक है, हाँ ठीक है ये ठीक है। ठीक है ओके दी। रूना सिंह जी, रूना सिंह, वंदे मातरम गोविंद भाई, रीना दीदी नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा क्वेश्चन है, आज सुबह एक पेशेंट है, उनका उनको टाइफाइड हो गया है, ठीक है, और एज उनका करीब 45 के करीब है, और लीवर में भी कुछ इन्फेक्शन वगैरह है, तो उस समय क्या उनको स्टार्टअप करूं? बाकी जिसका भी माइक बंद है, मतलब ऑन है, वो बंद कर लीजिए ताकि आवाज ना आए। और इसमें एक तो मुझे पता है कि भाई कुंभकला दी जाती है तवे पे भून के, टाइफाइड में कुंभकला भी अच्छा काम करती है, तो कुंभकला लीजिए, मुनक्का लीजिए, 6-7 मुनक्का बीज निकाल के उसको तवे पे अच्छे से गर्म कर लीजिए, फिर उसमें एक चुटकी कुंभकला की डाल दीजिए, साथ में नमक डाल दीजिए और वो वाली खानी है। ठीक है ये। और बाकी अगर लीवर की भी प्रॉब्लम है तो गोविंद भैया आप थोड़ा सा बता दीजिए और क्या लेना है इसके साथ। हाँ जी, ऐसा है, जब भी टाइफाइड हो तो जैसे दीदी ने बोला कि खूबकला आती है, खूबकला को लेके मुनक्के के बीज निकाल के उसमें जितना खूबकला चिपक जाता है, 2, 4, 10 दाने, उसे तवे पे सेक के 4-4 पीस, 5-5 पीस, बड़े वयस्क हैं तो 8 पीस तक ले सकते हैं, छोटे बच्चों को 2 से 4 पीस तक दे सकते हैं, हर 2-2, 3-3 घंटे पे दीजिए। अपने रसोई घर में, अपने आसपास में उपलब्ध तुलसी है, धनिया है, तुलसी धनिया, क्योंकि तो यहाँ लीवर में भी दिक्कत आ रही है, और टाइफाइड ऐसे भी आंतों का बुखार होता है, आंतों में गर्माइश आ चुकी होती है, तो आंतों का ज्वर बोलते हैं। इसमें तुलसी धनिया गिलोय, अब तुलसी धनिया गिलोय, छोटी इलायची, इनको अगर आपको सूखे मिलते हैं, पुदीना, अगर ये आपको सूखे हुए मिल जाते हैं तो इन सबका पाउडर ले लीजिए, अगर नहीं तो कोई सूखा कोई गीला मिलता है तो इन सबको थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेके सारी चीजें मिला के अंदाजे से 1 कप पानी में उबालिए, जब आधा पौना कप रह जाए तो छान के उनको पिलाइए, बार बार पिलाइए, लंबे समय तक पिलाइए, क्योंकि तो टाइफाइड ही एक ऐसा है जो बुखार, अगर एक बार किसी की टाइफाइड शरीर में आता है और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं किया जाता है तो हर बार वापस आता है, हर बार टाइफाइड बिगड़ता है, जब भी कहते हैं जी मेरा टाइफाइड बिगड़ गया, मेरा टाइफाइड बिगड़ गया, वो इस वजह से, क्योंकि उन्होंने पहली बार जब वो मेहमान आए थे तो उस मेहमान की सही से खातिरदारी हुई नहीं, इसीलिए वो नाराज होकर बार बार तंग करने आ जाता है। तो बाकी बुखारों में आप भले आप उसको इग्नोर कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो, क्योंकि आंतों में जो इन्फेक्शन है, आंतों का जो ज्वर है, आंतों में जो बुखार है, और आंतों से ही हमारा भोजन प्रतिदिन, हम दिन में जो भी कुछ खा रहे हैं आंतों में जा रहा है, तो जैसे ही, इसलिए आंतों को मजबूत करना बहुत जरूरी है। तो खूब कला मुनक्का ये तो देना ही देना है, साथ में तुलसी धनिया गिलोय और छोटी इलायची पुदीना, इन सबका अगर पाउडर मिल जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं मिलता है तो जो हरे मिलते हैं, सूखे मिलते हैं, उन सबको थोड़ी मात्रा में। ठीक है, हाँ गोविंद भाई, वंदे मातरम, सब लिख लिख लिए हैं, आप फिर उनको ट्रांसफर करती हूँ अभी। ठीक है, राजरानी ठीक जी। नमस्कार जी जी नमस्कार। दीदी। मैंने एक लेडीज को पैड दिए थे यूज करने के लिए, उसको जब भी पीरियड होते हैं तो दवाइयों से होते हैं, वैसे पीरियड नहीं होते उसको, और उसको बच्चे भी नहीं है जी। तो एज कितनी है? अब उसने वो उसकी शादी ने दी, 10 साल से ऊपर हो गए हैं,
ठीक है, 12 13 साल तो हो गया जिसकी शादी में, ज्यादा बेशक से हो गए होंगे, कम नहीं है जी। और जी उसको हर महीने दवाई लेनी पड़ती है पीरियड के लिए, जब भी उसको पीरियड होते हैं। तो अब उसने हाँ 1 महीना हो गया है पैड लगाते हुए, और जी उसने गार्ड भी लिया है और बाप भी ले रहे हैं। तो जी वो बोल रही है कि मेरे को, जब मैं रात को लेटती हूँ ना, तब तो मेरे को ऐसे महसूस होता है कि मेरे को अब हुए बहुत जोर होता है, लेकिन मेरे को पीरियड नहीं हो रहे हैं। तो बोले मसाज कि भी बहुत की है अच्छा। उन्होंने, मसाज भी की है। नहीं जी, मसाज नहीं की। वैसे उनको हो जाएंगी, क्योंकि जब एहसास होने लगता है तो ये समझिए कि आधा काम हो रहा है। ठीक है, तो साथ में हाँ आप जी, मसाज और बता दीजिए, मसाज और सेक। ठीक है, जैसे अरंड के तेल की मसाज करें और साथ में किसी गर्म पानी की बोतल से फिर सिकाई कर ले। 5 मिनट ही मसाज करनी है और लगभग 9 मिनट की सेक बताते हैं। 3 मिनट तीन तीन मिनट ओवरी पे और 3 मिनट आप उस पे, यानी कुल मिला के आप 15 मिनट का ही ये प्रोसीजर होगा। तो आप ये भी उनको बता दीजिए। ठीक है, हाँ जी। और जी उसको वो हेल्थी थी उसकी जी, ज्यादा वो था, तो वो बोली कि जब से मैंने ये गाढ़ा लेना शुरू किया है ना, तो मेरा वजन भी कम हो गया, जैसे कि ये मांस की ये हो जाते हैं ना, बोली ये मेरा कम हो गया है, मेरा पेट भी साफ होने लग गया है। अब तो मैं दिन में 2 3 बार चली जाती हूँ फ्रेश होने के लिए, पहले मेरे को इतना पेट साफ नहीं होता था। चलिए बहुत अच्छा, मतलब असर हो रहा है। अब वो धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। आप ये मसाज और बता दीजिए और बाकी जो कर रही है वो भी करती रही। ठीक है, हो जाएगा। उसको दवाई नहीं लेनी ना जी, नहीं, दवाई नहीं लेनी है, मसाज और कर। अरंड के तेल की जी। हाँ, अरंड के तेल की और फिर गर्म पानी की बोतल से सिकाई करनी ठीक है जी, धन्यवाद जी। है। मीनू मिश्रा जी, वंदे मातरम दी। वंदे मातरम भाई जी। वंदे मातरम जी। दी, आज एक दीदी से मुलाकात हुई थी, उनका मेनोपॉज चल रहा है और उनके पेट में भी कीड़े हैं। तो मैंने अच्छा। उनको भाप लेने के लिए बोला है और पैड यूज करने के लिए बोले हैं। और दी मैंने मतलब दोनों ओवरी में मसाज करने के लिए और उसमें भी बोल दिया उनको कि जब आपको पीरियड ना आए तो आप बराबर मसाज कीजिए। तो मसाज ठीक है ना दी? हाँ, मसाज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस मैंने यही उनको बोला कि जितने दिन पीरियड रहे, 3 दिन 5 दिन या इससे ज्यादा भी अगर होते हैं तो उन दिनों मसाज नहीं करनी है। तो हाँ बिल्कुल, उन दिनों में नहीं इतना करनी। तो दी, इतना करने से उनका मेनोपॉज मतलब अच्छे से क्लियर हो जाए। साथ में बीजों का और बताइए, क्योंकि मेनोपोज में काफी हार्मोन्स मतलब ऊपर नीचे होते हैं, तो बीज का भी अगर वो मतलब यूज करेंगी तो बहुत अच्छा उनका मेनोपोज का जाएगा। बीज और ऐड कर दीजिए। जी 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 ठीक है, सुमन जी धन्यवाद जी। जी, हाँ जी, जिसका हो गया है वो हैंड डाउन कर लीजिए भाई। ख्याल मीनू मिश्रा दीदी दीदी बोल करना। मीनू मिश्रा, जी मीनू जी जी मिश्रा, भाई आपने जी। जैसे उनको बोला कि पेट में कीड़े भी हैं, हाँ जी भाई जी। ऐसा है, पेट के कीड़ों की जो सबसे सरल औषधि है अपने रसोई घर में, उसमें कहा जाता है कि पहले गुड़ खा लो। गुड़ तो मीठे जी नजदीक आ जाते हैं, फिर उसके बाद अजवाइन चबा के खा लो, तो फिर क्या होता है कि वो कीड़े मर जाते हैं और वो मलासे में पहुंच जाते हैं, फिर वो मल के रास्ते बाहर आ जाते हैं। मतलब पहले मतलब वो गुड़ गुड़ खा ले जी। पहले गुड़ खाएं, फिर बाद में अजवाइन खाएं। और जैसे कोई, अच्छा हाँ, तुम जी जैसे कोई छोटा बच्चा है, अब वो ऐसा नहीं, तो क्या करते हैं, छोटे बच्चों को हम अजवाइन और गुड़ उबाल के पिलाते रहते हैं, ठीक जी है। तो भाई जी, लगभग कितनी अजवाइन दी जा सकती है? आधा चम्मच या 1 चम्मच ही मात्रा में? 1 चम्मच गुड़ दे दीजिए, आधा चम्मच अजवाइन दे दीजिए, चबा के खा लेंगे आप। हम आगे पीछे, पहले गुड़, उसके आधे घंटे बाद अजवाइन, बच्चों दिन को में एक बार हाँ 1 2 बार दे दीजिए। जी। बच्चे जो हैं, मतलब कि पेट के कीड़े की सबसे सरल औषधि है, बच्चे हैं तो बच्चों को आप गर्म पानी, मतलब पानी में उबाल के वो पानी पिलाते रहें। जी जी भाई, धन्यवाद। वंदे मातरम गोविंद भैया। वंदे मातरम।
हाँ, गोविंद भैया को धन्यवाद करना था। अभी 2 दिन पहले ही भैया ने मेरी बहन के लिए बताया था, उसे मतलब बहुत ज्यादा गैस बनती है पेट में, तो जो चूर्ण बताई थी और भाप बताई थी भैया ने, वो सिर्फ 2 ही दिन से ले रही है। वो कह रही है, दीदी मुझे इतना आराम है कि मेरे पैरों में इतना दर्द होता था, मैं चल भी नहीं पाती थी। बच्ची का स्कूल 5 मिनट दूर ही है, मैं लेने जाती थी तो बच्ची मेरे से आगे चलती थी और मैं उसके पीछे पीछे, इतने पैर दर्द होते थे। और पेट में जो हल्का हल्का दर्द बना ही रहता था, वो भी काफी हद तक ठीक है। तो इसके लिए भैया का धन्यवाद। और एक और पूछना था भैया, वही जीजाजी है मेरे, उनका बीपी 180 से 190 रहता है, मतलब हमेशा ही रहता है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है उनको, लेकिन वो पूछ रहे थे क्या ये नॉर्मल है या इसके लिए कोई ये आयुर्वेदिक में कुछ है तो बता देंगे। देखिए, अगर सही मामले में जो हर इंसान का बीपी तो अलग अलग ही होता है, किसी का कम, अगर शरीर में किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, शरीर में किसी भी तरह का अटपटा सा नहीं लग रहा है, तो किसका क्या बीपी है। अब उदाहरण के तौर पे देखें, हम क्या हम प्रतिदिन अपना बीपी जांच करके रहते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि अब नप गया है तो मन में शंका आ गया है। अगर उनके शरीर में किसी भी तरह की अगर तकलीफ नहीं है, तो उन्हें किसी भी दवा की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर मन में लगता है कि ये ऊपर नीचे है, तो आप अपने रसोई घर में उनको सबसे साधारण सा, जो बीपी की सबसे अच्छी दवा कही जाती है, गुनगुना पानी पीने के लिए बोल दीजिए। गुनगुना पानी पीने के लिए अगर कोई तकलीफ नहीं है, तो दिन में कम से कम 2 से 3 बार गुनगुना पानी पिए। अगर जी भैया, तकलीफ 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 नहीं है भैया। उनका दोस्त मशीन लेके आए थे, तो वो मशीन से नाप लिया तो फिर टेंशन होगी। फिर 2-3 जगह जयपुर और गंगानगर यहाँ दिखवा लिया, तो मतलब उन्होंने तो बस, डॉक्टर ने तो गए थे तो गोलियां देनी थी, लेकिन जीजा जी ने वो ली नहीं। फिर अब मेरी बहन को इतना आराम था, तो उनको लगा कि चलो भैया से पूछ लेते हैं, वो इसमें अच्छे से राय दे देंगे, आप तभी पूछा। उनको बोलिए कि दिन में 2 से 3 बार गुनगुना पानी करके उसे पिए, दो जी भैया, तो दिन बाद अपनी जाके बीपी की जांच करें। जांच करें, जी भैया, क्योंकि अगर तकलीफ नहीं है तो आप कौन का चयन करोगे भाई साहब। सिर्फ जी तकलीफ भैया, हो, मान लिया किसी को उल्टी हो रही है, किसी को सर में दर्द हो रहा है, किसी को चक्कर आ रहा है, किसी की आंखें लाल हो रही है, बीपी हाई होने की वजह से मतलब अटपटा सा, नींद उड़ गई है, नींद नहीं आती, तो उसके हिसाब से फिर दवाओं का चयन करना आसान होता है। और ऐसे सर्वसाधारण में क्या है कि गुनगुना पानी पीने से बीपी जो है नॉर्मल हो जाता है। जी, धन्यवाद भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया जी। मैंने आपको उस दिन बताया था मैं स्कूल में जा रही हूँ बच्चों से मिलने, तो उस दिन एक बच्चे ने बताया कि उसको 12 महीने ब्लीडिंग होती है, उसकी ब्लीडिंग रुकती ही नहीं है, तो क्या कर सकते हैं उस पर? वजन कैसा है उसका? वजन 35 या 40 तक होगा, अभी ऐसे मैंने पूछा नहीं, 40 तक होगा मेरे अंदाजे से। उम्र कितनी? उम्र स्कूल की बच्ची है, 9th में है भैया जी। ठीक है। देखिए, अगर हम हैवी 12 महीने की ब्लीडिंग रहती हो, हमेशा ब्लीडिंग बना हुआ रहता है, तो इसका जो सबसे तो दरवाजा बंद कर, आवाज नहीं आ रही है भैया जी, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। बोला ही नहीं, दरवाजा बंद करने गया हुआ था, बाहर गाड़ी की आवाज आ रही थी। तो दो तीन चीजें उसे बोलिए करने को। एक तो हाँ, सबसे जो भाप है, भाप भाप। हाँ, उस बच्चे को अभी से उसको दे दीजिए। गांव है शहर है? अच्छा, गांव गांव है शहर है? है भैया जी, गांव है, छोटा गांव है। तो या बाहर जो धूप घास होती है, धूप घास जिसको पूजा पाठ में ले दुर्वा घास बोलते हैं, दुर्वा घास। हाँ, दूरवा 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 बोलते हैं हमारे इधर महाराष्ट्र में। हाँ जी, हाँ जी। तो दुर्वा घास लेकर आइए, ठीक है? हाँ, एक मुट्ठी दुर्वा घास लीजिए। रात को पहले 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच चावल, एक चम्मच धनिया, अच्छा, और 1 चम्मच चावल, ठीक
एक एक चावल एक कप पानी में भिगो दीजिए। रात में क्या? हाँ बोलो भैया जी आगे। और जो एक मुट्ठी जो धुरवा घास होगी उसको अच्छे से धो। हाँ कभी भी धुरगा धुरवा घास से रस नहीं निकलता, ठीक है? आप उसको जितना मर्जी पस लो, एक बूंद रस नहीं निकलेगा। तो नहीं मुट्ठी धुरवा घास को अच्छे से धो लीजिए और सिलबट्टे पे पानी डाल के पीस लीजिए, मतलब उसका लेप बना अच्छा लीजिए। लेप बना के जो हमने रात को धनिया और चावल डाला था उस पानी को मसल के, उस पानी को छान के रखिए। उसी पानी में इसको, इसके लेप को घोल दीजिए। घोलने के बाद अच्छा छान लीजिए अच्छा और उसमें वो दुर्वा घास का वो लेप घोलना है वो चावल के पानी में हाँ जी हाँ जी, फिर उसके बाद उसको छान लेना, ठीक छान लेना है। अच्छा है? छानने के बाद इसमें एक चुटकी फुलाई हुई फिटकरी। अच्छा हमारे यहाँ तुरटी बोलते हैं वही ना, जी हाँ एक चुटकी। अच्छा उसमें डालना है क्या भैया? हाँ जी, उसमें डाल के उसको पिला दीजिए। अच्छा ये कितने दिन करना है? माँ को बोलिए, एक तो सुबह पी के जाएगी, शाम के लिए वो तैयार करके रखेगी, मतलब रात का भिगोया हुआ शाम, सुबह सुबह भिगोया हुआ शाम को, अच्छा ठीक 15 दिन। 15 दिन करना है। जी हाँ जी, 15 दिन के बाद आप उसकी स्थिति पूछ लीजिए। ऐसे तो दूसरे तीसरे दिन ठीक हो जाएगी, लेकिन फिर भी उसको 15 दिन करना ही करना है। अच्छा और ज्यादातर बच्चों को भैया जी वो 4-5 महीने के बाद पीरियड्स आते हैं, बहुत बच्चों की ये थी कंप्लेंट। ये बात पहले सुन लीजिए, इसको एक तो ये अपना पैड दीजिएगा, पैड यही हाँ पैड वो यूज करेंगी। बीच में फिटकरी के पानी, फिटकरी का घोल बना के रखें, जैसे 1 चम्मच फिटकरी 1 लीटर पानी में डाल के उबाल लिया, उस पानी को बाथरूम में रखें। इस पानी से सफाई करें वजाइना की, अच्छा बहुत ज्यादा ब्लीडिंग की तकलीफ आ रही होगी तो फिटकरी, इसी पानी में फिटकरी रुई को भिगो के या सूती कपड़े को भिगो के उसे वजाइना में इनहेल भी करना है, कम से कम 2 दिन अच्छा के लिए, दिन में 1 से 2 बार। अच्छा ठीक है भैया। पानी ठीक है, में एक एक चम्मच तुरटी 1 लीटर पानी में उबाल के हाँ जी, उबाल के बाथरूम में रखना है ना। हाँ ठीक है भैया। नमस्ते भैया, मतलब एक मेरी हाँ जी बोलो गुड़िया। भैया नमस्ते, एक मेरी बुआ की लड़की है, उसको मतलब पीरियड 1 साल से नहीं आ रहा। मतलब वो 1 साल में अभी 2-3 बार ही हुई है, अभी जब से उसका पीरियड शुरू हुआ। वो अभी 19 साल की है, उसको 2-3 बार ही पीरियड हुआ, 1 साल 2 साल से होती है। उसको मैंने भाप मसाज और सिकाई और तिल मतलब सारा कुछ बता दिया, सब कुछ कर रही है, 1 महीने से कर रही है, लेकिन उसको पीरियड नहीं आ रही है। हाँ कोई बात नहीं, ऐसे भी तो साल 19 साल में 2 ही बार आया है, थोड़ा उसको बोलो सब हाँ करती रहे। मेरे को एक चीज ये नहीं समझ में आता कि जब हम सरल चीजों के प्रति जब आ जाते हैं जो आसानी से होता है, तो उससे रातों रात परिणाम क्यों उम्मीद करते हैं? सही है। उसको बोलो सब्र करके करो, ठीक है? सब्र का फल मीठा मिलेगा और नुकसान भी नहीं होगा। अगर मोटिव है एक अपना जो हम बार बार डालते हैं कि अजवाइन मेथी, क्योंकि अभी मीटिंग में भी दीदी ने बात करी तो मैंने दोबारा बात हुई, अजवाइन मेथी किलौंजी काला तिल सौंठ और गाजर के बीज, बथुए के बीज, मूली के बीज, जो जो उपलब्ध होता है उनको दरदरा उसमें से 1 चम्मच 1 गिलास पानी में चौथाई रहने तक उबाल के। कट रही है भैया। ऐसा है आप लोग, आवाज नहीं ऐसा है आपको से विनम्र विनती है कि ये जो समस्याएं हैं ना, हम और आगे भी बढ़ना है, इसी पे अटके ना रहे। एक बार नहीं, अनेकों बार लिखाया जा चुका है, बताया जा चुका है,
तो अजवाइन, मैं दोबारा बताता हूँ, अजवाइन में जो अपने रसोई घर से है, अजवाइन, मेथी, किलौंजी, काला तिल, सौंठ, गुड़, ये तो हर घर में मिल जाता है। अगर इसके अलावा बथुए के बीज, मूली के बीज, गाजर के मिल जाए तो ये भी मिला लीजिए बराबर, और इनमें से 1 चम्मच 1 गिलास पानी में उबालें, चौथाई रहे तो छान के पिलाएं, सुबह शाम पिलाएं। ये एसिडिटी में भी काम आता है, मोटापे में भी काम आता है, दर्द में भी काम आता है, मासिक धर्म अगर रुका हुआ है उसमें भी काम आता है। ठीक है, और सारे जवाब मिल चुके हैं भैया, सबके कमेंट्स आए गए। ठीक है, हाँ जी नमस्ते भैया। भैया नमस्ते जी। मेरे वो है दोता है ना, बलगम और खांसी हो महीने का है, छह कितनी उम्र है? महीने का भैया, 6 महीने, 6 महीने छह महीने का। हाँ जी का। जब नवजात शिशु को खांसी हो तो उसकी सबसे सरल औषधि जो है अपनी फुलाई फुला सुहागा जो है, सुहागा फुलाई हुई, फुलाया हुआ जो सुहागा है उसकी एक चुटकी शहद में मिला के चटाना चाहिए। ठीक है, फुलाया हुआ सुहागा एक चुटकी शहद में मिला के चटाइए, सबसे सरल औषधि। 1 मिनट, आपका माइक म्यूट है दीदी, आप अनम्यूट कर लीजिए जरा। आवाज आ रही है आपकी? नहीं आ रही मेरे को आवाज। हाँ जी मैंने ना उसको आपका बताया हुआ तरीका बता दिया था, अजवाइन के ऊपर और उसकी नथुनों पे सरसों का तेल लगा के। इसके साथ साथ और भी दो चार चीजें हैं, छोटे बच्चों को खांसी हो तो जो चाहिए अजवाइन की भाप देनी चाहिए उसके कमरे में, जिस कमरे में बच्चा हो उस कमरे में भाप दीजिए, सरसों तेल में अजवाइन लहसुन पका के इस तेल से उसकी छाती की और पीठ की मालिश करनी चाहिए। इसके अलावा काली मिर्च जो है, काली मिर्च को घिसना चाहिए, मतलब अभी समझिए कि एक चुटकी से भी कम, या तो तुलसी के पत्ते, तुलसी और पान मिल जाए तो सोने पे सुहागा, तुलसी और पान के पत्तों का रस निकालिए, गरम चम्मच पे डालिए, गरम चम्मच पे, और उसमें थोड़ी सी शहद मिला के वो बच्चे को चटाइए। पिलाना नहीं है, छोटा बच्चा है उसको चटाना है। इस सत्र को अब समाप्त करते हैं, शाम की सत्र में मिलते हैं, जिनके भी सवाल रह गए हैं प्रयास किया जाएगा कि शाम में, शाम को सवाल। ठीक है, वंदे मातरम सभी को। मातरम।